बैरूने मुल्क जाने और पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को करंसी और कीमती अशिया की तफसीलात जमा करवाने के लिए ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराने की सहूलत फराहम कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले और बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कस्टम हुकाम की तरफ से नई हदायत हैं वो जारी की गई हैं। इस नई हदायत के मुताबिक हर वो मुसाफिर जो इंटरनेशनल सफ़र करेगा उसको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के ऊपर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल करना है वो लाजमी करार दिया गया है। और इस डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर मुसाफिर जो है वो अपने साथ ले जाने वाली करंसी, कीमती जेवरात समेत जो कीमती अशिया होंगी उसको दर्ज करना, उसको लिखना है, उसके लिए लाजमी करार दिया गया है। और मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक कस्टम हकाम की तरफ से ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की सहूलत है वो मुहैया कर दी गई है। और इस वाले से एक वेबसाइट है वो मतलब की गई है। वेबसाइट का लिंक जो है वो www.vbok.gov.pk के नाम से है वो जारी किया गया है। और कस्टम हकाम की तरफ से कस्टम अमले को भी हदायत की गई हैं कि हर वो मुसाफिर जो लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफ़र करेगा या बैरून मुल्क से पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर आएगा तो उस मुसाफिर का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे फिल करवाना है वो लाजमी करार दिया गया है। और डिक्लेरेशन फॉर्म में मौजूद अशिया की जो दस्तयाबी होगी उससे बरअक्स अगर जाने चेकिंग ज़ायद अशिया उससे निकलेगी तो वो कब्ज़ जब्त है वो कर ली जाएंगी। और ये भी दायरा की गई है कि वो मुसाफिर जो डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं करवाएगा उसको ऑफलोड करने का इंदिया है वो भी दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि हर मुसाफिर के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जिसके अंदर करेंसी, जेवरात, कीमती अशिया और जो दीगर नादर अशिया हैं उनको जमा करवाना, उसकी डिटेल लिखना लाजमी करार दिया गया है। और इस वाले से ऑनलाइन समेत जो कस्टम के काउंटर्स होंगे एयरपोर्ट्स के ऊपर वहाँ पर फॉर्म है वो मुहैया। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर्स होंगे। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया।